हम देखते थे यार वाकई यार कि आके उन्होंने लगाया जी, उन्होंने डाली है पहली पेड़ कबूतरों को, जैसे कबूतर आने शुरू हुए कस्टमर आना अपने आप शुरू हो जाता था बस। ठोकर पे एक और धारावाहिक में आपका स्वागत है, मैं हूं आपका अपना हरिहर भाई साहब। ये है दल बदलू के राजमा चावल कढ़ी चावल। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, आपका क्या नाम है? भैया मेरा नाम धीरज। धीरज जी थैंक यू सो मच आपने मुझे टाइम दिया। वैसे तो बहुत बिजी चल रहे हो, लंच टाइम है और राजमा चावल कढ़ी चावल के लिए लोग दीवाने हैं। भैया मेरे पास यहाँ पे हमें कढ़ी चावल और राजमा चावल बेचते 33 साल हो गए हैं। 33 साल और सिर्फ दो ही आइटम बेचते हैं हम। अच्छा, ओनली कढ़ी चावल और राजमा चावल जी। और जो चावल है मैं देख रहा हूँ ये पुलाव स्टाइल है, मतलब ये प्लेन चावल नहीं है? हाँ जी भैया, चावल नहीं है, मसाले वाले चावल है। हाँ जी भैया, पुलाव होता है जी। और कढ़ी में क्या खासियत है जो 33 साल से लोग दीवाने? भैया कढ़ी एक्चुअली पूरी प्योर बनाते हैं, मतलब कोई इमली वगैरह ये वो यूज नहीं करते, दही की कढ़ी होती है प्रॉपर कभी भी, मतलब कि और बेसन भी अपना पिसवाते हैं चक्की से जी, और मतलब कि साफ सुथरा नीट क्लीन बनाते हैं। और राजमा? राजमा भी फर्स्ट क्लास, मसाले अपने खड़े यूज करके जी उस तरीके से। और इसका जो नाम है सेटअप का, नाम बड़ा बहुत बढ़िया है, दल बदलू। ये फादर साहब ने रखा था बहुत पहले जी, ये वैसे तो 1984 में उन्होंने नाम रखा था शॉप का अपना दल बदलू के नाम से जी, तो तब से वही नाम चल रहा, सबको पसंद आया नाम। दल बदलू नाम कैसे आया सर? ये कुछ है सर, ये कुछ मिनिस्टर थे कोई जी, वो आते थे डेली पापा के पास, उस टाइम हमारा BDC का काम था पान वगैरह का जी, तो वो पान खाने आते थे रात को रोज जी, तो वो बस पान खाने आए तो उन्होंने बताया कि मैं कल अपना दल बदल रहा हूँ। अच्छा, कोई अपनी नेक्स्ट पार्टी चेंज कर रहा हूँ। हाँ, तो बस वो अच्छा लगा नाम जी, तो इसलिए फिर पापा ने भी नेक्स्ट डे एक नई शॉप खोलनी थी, तो उनको भी नाम अट्रैक्टिव लगा कि दल बदल रहे हैं ये, चलो हम भी दल बदल देते हैं जी, तो हमने भी नाम फिर नेक्स्ट उन्होंने दल बदलू रख दल बदलू नाम रख लिया। एक आप बता रहे थे वो मेहनत बहुत करते थे, एक काम नहीं करते थे, 4-5 काम। हाँ, वो बहुत काम करते थे एक्चुअली, वो रात को जागरण भी करते थे जी, दिन में मिलक बादाम बना के वो सप्लाई भी करते थे, पान की चटनियां भी बनाते थे जी, शाम को गुलकंद भी बनाते थे, मतलब ऐसे बहुत से काम वो करते थे। बिजली का काम भी सीखा था, बिजली का काम भी करते थे, रिपेयरिंग का जी, वो सब काम भी करते थे। और ये जो राजमा चावल का सेटअप है ये आपके दादाजी ने शुरू किया था? ये मेरे फादर साहब ने शुरू किया था। अच्छा, हाँ जी। तो ये मतलब आए कहाँ से थे पहले? ये आए तो वैसे पहले यहीं से थे, उससे पहले मुजफ्फरनगर से। अच्छा, मुजफ्फरनगर से। हाँ जी। वाह, मुजफ्फरनगर के बहुत ही कलाकार लोग हैं खाने पीने के काम में, तो उन्हीं का एक जैसे अंदाज है। अच्छा, एक बार दिखाएंगे सर यहाँ पे क्या क्या रहता है अपने पास? सर ये पुलाव रहते हैं हमारे जी, इसमें प्रॉपर गाजर मटर वगैरह डल के बनाया होता है जी जी, बासमती राइस होते हैं जी, और इसमें मसाले रहते हैं साथ में, नमक होता है? नमक होता है, हल्का मसाला होता है जी, मतलब इसमें नमक मसाले सब कुछ रहता है। हाँ जी। और वेजीज है, ये एक तरह से पुलाव राइस है, नॉर्मल स्टीम राइस नहीं है। हाँ जी। एंड आगे दिखाइए सर। सर इसके बाद हमारे पास राजमा होते हैं सर। ये है जी राजमा। हाँ जी सर, गाढ़े राजमा एकदम नटी लग रहे हैं। हाँ जी सर। और ये राजमा में आप बता रहे थे खड़े मसाले डालते हैं? हाँ जी सर। और हरिया धनिया ऊपर से डाल रखा है? बिल्कुल सर, बहुत ही बढ़िया। एंड टमाटर से खेला गया है। दिखाइए कढ़ी, दिखाइए। लीजिए सर, ये हमारी कढ़ी, कढ़ी। इसमें कभी भी इमली नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, हमेशा दही की प्रॉपर जो खटास से बना के उसी से बनाई जाती है। जबरदस्त। तो ये जो पकौड़े डाले हुए ऊपर, ये पकौड़े में भी सर इसमें आपको प्याज भी मिलेगा, आलू भी मिलेगा, पालक भी मिलेगी। अच्छा, हाँ जी, मतलब तीनों चीजें मिक्स करके पकौड़े बनाते हैं, फिर पकौड़े बनते हैं। मैंने सुना है पहले आपका जो सेटअप है वो यहीं पे आप बनाते थे, अब आजकल जो है सेटअप घर पे चला गया? हाँ, अब घर से बना के लाते हैं जी। उसका कारण बनाते वैसे सर थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम हो गई है थोड़ा सा इस करके जी। हाँ जी। पर जो चंडीगढ़ के लोग हैं वो बहुत रेकमेंड करते हैं कि भाई राजमा चावल खाने हैं तो दल बदलू के ही खाने हैं। सर बहुत से कस्टमर हमारे पास ऐसे हैं कि जो पढ़ने आते थे कॉलेज और यहाँ पे चावल खाते थे जी, आज उनके बच्चे कॉलेज जाते हैं उनको लेके आते हैं कि हम यहाँ से चावल खा के जाया करते। अरे भाई क्या बात है, जबरदस्त। मतलब एक पूरा आपने जिंदगी निकाल दी अपनी, क्योंकि बस स्टैंड के सामने है ना, तो नेचुरली हर बंदे ने बस पकड़नी, आना जाना सफर का यहीं से रहता है जी, तो वो पुराने जितने भी होते थे वो उनको सबको पता है। तो आप इस काम में कब इंट्रोड्यूस हुए, बचपन से ही या उसके बाद बड़े होके? फिर नहीं, बचपन से था, फिर मैंने छोड़ दिया था काम बीच में। अच्छा। फादर साहब ही सब संभाल रहे थे, मैं कंप्यूटर लाइन में चला गया था जी, फिर वो एक्सपायर हो गए, तो उसके बाद फिर मैं इसी काम में आ गया। अच्छा, तो आप कंप्यूटर लाइन में चले गए थे? हाँ हाँ। कंप्यूटर लाइन में क्या कर रहे थे? हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग का कोर्स किया था, उसी में लगा हुआ था जी। तो उसका आपने फिर वो जैसे आजकल आता है कुछ नहीं, पर ये एक्चुअली राजमा चावल ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ देने काम था, बचपन से सीखा हुआ था सारा ना जी जी जी, तो इसलिए फिर फादर साहब के जाने के बाद फिर इसी में ही ज्यादा ध्यान दे दिया। जबरदस्त सर, एक एक प्लेट लगा के दिखाइए। तो ये देखो, ये बढ़िया पुलाव राइस है यार, ये स्टीम राइस नहीं है, पुलाव स्टाइल बनाए हुए हैं, गाजर और मटर डाल के, और पंजाब वाली लाल गाजर आ चुकी है, और इसके साथ ही आ गए जी एकदम बढ़िया गाढ़े राजमा। और ऐसे राजमा लास्ट मैंने देखे थे बगर में, ये लग रही है जी मिक्स प्लेट, इसमें कढ़ी और राजमा एक साथ ही आ गए। एंड सर इसमें ना एक और जो आपका जो जायका है वो हरी मिर्ची का है ना? सर हरी मिर्च का स्पेशल अचार बनाते हैं सर। जी जी जी, ठीक है। लोग, मैंने बहुत तारीफ सुनी है, हरी मिर्ची के लिए लोग बहुत आते हैं।
हाँ जी बहुत ही बढ़िया हरी मिर्ची है यार, ये पड़ी है ना। हाँ जी सर, ये है जी हरी मिर्ची, और बैक टू बैक ऑर्डर जो है वो लगते जाते हैं। सर मुझे दो तीन चीजें और पूछनी है, मुझे बताइए प्राइसेस क्या है कढ़ी चावल राजमा चावल के? सर 50 रुपीज ओनली जी, कढ़ी लो चाहे राजमा चाहे मिक्स, 80% कस्टमर जो है मिक्स ही खाते हैं जी। और 50 रुपीज में? 50 रुपीज में मिक्स दोनों जी। और जो पैकिंग होती है वो हमारा बॉक्स होता है 60 और 80। अच्छा, वो दो तरह का बॉक्स, 80 वाला है वो बड़ा साइज है? वो बड़ा साइज है, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। हाँ डबल हो जाता है। और लोकेशन एग्जैक्ट क्या है अगर किसी को आना हो यहाँ पे? सर सेक्टर 22B मोबाइल मार्केट जी, मोबाइल मार्केट SCO 1030 के बाहर जी। SCO 1030 डॉक्टर योगी हेल्थकेयर बोल लो, या इधर आसपास रियलमी का स्टोर है, ये सैमसंग का स्टोर है, और इधर है जी ये रियलमी का स्टोर, ये है जी दुकान, और यहाँ पे आप आ जाओ बढ़िया बढ़िया राजमा चावल कढ़ी चावल खाने। और दल बदलू अगर आपने काम, सर आजकल दल बदलू ज्यादा हो रहा है ना, वैसे उस टाइम पे कम होता था, आजकल तो होटल में ले जाते हैं। तो दल बदलू काम जो है अगर आप उसको जायका लेना चाहते हो तो यहाँ पे आप आ सकते हो, एंड बहुत ही जबरदस्त प्रिपरेशन रहती है। हम अपनी थाली लगवाते हैं और खाते हैं जी यहाँ पे। अच्छा ये पैकिंग वाला है? ये पैकिंग है सर। ये 80 वाला है? ये 60 वाला सर। ये 60 वाला है, बढ़िया। बड़ा बॉक्स भी दिखा देता हूँ, बड़ा बॉक्स दिखाना, बड़ा बॉक्स भी एक बार दिखा दो। और जोमेटो स्विगी भी है? नहीं सर, जोमेटो स्विगी नहीं है जी, तो मतलब यहाँ पे आके ही लेके जाना पड़ेगा आपको। ये बड़ा बॉक्स है जी, बाकी कस्टमर मंगा लेते हैं इन ड्राइव वगैरह से मंगा लेते हैं। अच्छा, तो जैसे पंचकुला मोहाली वाले कस्टमर हमारे जी, वो इन ड्राइव से मंगा लेते हैं। जबरदस्त, तो ये बड़ा वाला कंटेनर है जी, इसके अंदर चावल वही और कढ़ी और राजमा, और हम लगवाते हैं जी अपनी प्लेट। और उस्ताद जी की जो स्पीड है, उस्ताद जी कितनी देर से आपके साथ? उस्ताद जी को हो गए हमारे पास 24 साल। 24 साल? हाँ जी। क्या बात है, उस्ताद जी की स्पीड जबरदस्त है। ये लग रही है राजमा की प्लेट, राजमा चावल की प्लेट, और भाई राजमा की कंसिस्टेंसी और गाढ़ापन चेक करना आप, मजा आ जाएगा। जबरदस्त राजमा एकदम, एंड ये ऊपर से आ गया जी प्याज बारीक कटा हुआ, साथ में हरी मिर्ची। और ये प्लेट 50 की है सर? हाँ जी सर, 50। जबरदस्त, ये 50 रुपए की प्लेट है। अगर आप जॉब करते हो आसपास तो आपको इसका जायका पता है, अगर आप नहीं करते हो तो भाई साहब यहाँ पे आ जाओ और जायका ले लो। और ये है जी चावल, चावल आए पुलाव वाले, ऊपर से ये पकौड़े वाली कढ़ी, और भाई जबरदस्त हरिया धनिया डाल के, खड़े मसाले डाल के, भुनी हुई मिर्ची डाल के, और ये आ गया जी साथ में प्याज, इधर से ये हरी मिर्ची। और सर ये जो है प्याज और जो मिर्ची है दोनों के साथ सेम है? हाँ। कोई अचार अलग से और कोई नहीं है? नहीं। पापड़ वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ ये चीज़ है। यहीं पे लगता है जी डॉक्टर योगी के बाहर, और ये पीछे मोबाइल स्टोर है, एंड ये है जी हमारा आज का स्वाद वटांदरा। सर आप बता रहे थे कि आप कैसे शुरुआत करते हैं दिन की, कैसे करते हैं? शुरुआत इसलिए ऐसा है कि फादर साहब ने शुरू से ही रूल बना रखा था जी, कि ये खाने को एक तरह बना के बड़ा पवित्र ढंग से और सुच्चे तरीके से चलते थे, क्योंकि वो जागरण वगैरह करते थे। अच्छा, तो इसलिए उनका मन हमेशा साफ सुथरा उस तरीके से लेके चलते थे जी। तो जब भी पहले अड्डा लगाना है, जैसे सामान वाला साहब बन गया, तो जितना है उसको पहले गंगा जल से छिड़काव करके जी, अच्छा सा थोड़ा सा, और उसके बाद जो हमारी पहली प्लेट होती है वो लगा के वो कबूतरों को डाल के। अच्छा, जैसे जैसे कबूतर खाना शुरू करते थे वैसे वैसे कस्टमर आने शुरू हो जाते थे। हमने ये चीज़ खुद देखी है अपने आंखों से, मतलब कई बार ऐसा होता था कि सामान बनाने में हम लेट हो गए, जैसे हम 12:30 लगाते हैं जी, कई बार 2 बज गए हैं जी, कई फंस गए हैं काम पे, तब भी 2 बजे लगाना तो 3:30 तक खत्म। हम कुछ रेडी कैसे कहते, कुछ नहीं बस देखो तुम कैसे क्या हो रहा है। हम देखते थे यार वाकई यार कि आके उन्होंने लगाया जी, उन्होंने डाली है पहली प्लेट कबूतरों को, जैसे कबूतर आने शुरू हुए कस्टमर आना अपने आप शुरू हो जाता था बस। वैसे सिस्टम वो बरकत उनके हिसाब से वैसे ही बनी हुई है, वैसे चलती आ रही है। आपके जो पापा हैं जैसे एक कलाकार होता है ना, कि एक कला की तरह उन्होंने अपने काम को लिया। हाँ बिल्कुल, वो था ही उनका, थोड़ा मानते हैं मार्केट वाले भी मानते हैं कि उनका रुतबा, उनका स्टाइल, उनका सब कुछ एक कलाकार की तरह था जी, क्योंकि उनकी मतलब कुछ और कहते हैं उनका और कुछ अलग था, ये था उनमें एक बहुत जबरदस्त, मतलब एक जो जागरण करने वाले, सुबह राजमा चावल कढ़ी चावल बेच रहे, शाम को वो पान की दुकान भी चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक नवरात्रों में तो 9 दिन हमें दर्शन ही होते थे फादर साहब के, पूरे 9 नवरात्रे बुक होते थे। वाह, रात को जगराते पे सुबह आना दुकान पे, रात को फिर जगराते पे, बस शाम को हमें मम्मी ने भेजना कि जाओ कपड़े ले जाओ पापा की दुकान पे, ना जागरण पे जाना। 9 दिन ऐसे ही चलता था उनका। वाह भाई साहब, ये है आज का हमारा स्वाद वटांदरा, ये चेक करो, ये है जी पकौड़े, इसमें पालक भी है, बेसन भी है, प्याज भी है, और इधर है जी ये खड़े खड़े प्याज, इधर है जी ये खड़े खड़े मसाले वाले राजमा चावल, और जिसमें राजमा भी खड़े खड़े हैं, और भाई इधर हम भी खड़े खड़े टेस्ट टेस्ट कर रहे हैं। तो हियर्स अ बाइट, ये है जी कढ़ी, हियर्स अ बाइट, दिस इज घर के कढ़ी चावल बट विद अ किक, एक जबरदस्त किक है, जो खटास है वो वाकई दही की है, इमली की खटास नहीं इसमें, जबरदस्त कढ़ी है, एंड ट्राई करते हैं जी ये राजमा, हियर्स अ बाइट। ओहो भाई, हरी मिर्ची ना 5-6 ले लेना अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है, हरी मिर्ची बहुत ज़बरदस्त लग रही है, बहुत बढ़िया फ्लेवर्स हैं,
और मिक्स प्लेट ही लेना, क्योंकि वो जो फ्लेवर्स एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं ना, फिर लाते। अगर आपने दल बदलू के कढ़ी चावल राजमा चावल खाए हैं तो कमेंट करके बताओ आपको कैसे लगे। अगर आपने नहीं खाए तो कमेंट करके ये बताओ कि आप कब आ रहे हो, कब खा रहे हो। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जिंदाबाद रहें साडी यारी, तो जौंदा आजादे बाजार है साडा पंजाब नाले साडा हिंदुस्तान। जय हिंद। और अगर आप देखना चाहते हो एक ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियो तो भाई साहब ये देखो ना।